दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, इसीलिए आज हम रोजगार के विषय में एक वीडियो बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। ऑनलाइन आवेदन का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है, पात्र युवाओं आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31/5/2023 रखी गई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताने वाले हैं कहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी हम कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन भी बताना चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको वेतन मिलने वाले हैं। ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले हम आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/5/2023 है। आवेदन आमंत्रित जिला 31 सेक्टर है, टोटल जिले में 31 सेक्टर बनाए गए हैं। सेक्टर 128 है, 31 जिले में टोटल 128 सेक्टर है, सेक्टर में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको samagri.mp.online.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको, चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर अपने पहले से सर्च कर रखी है, mpfood.mp.gov.in पर हमने इस पर सर्च किया। तो यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ पर देखिए, पूरी प्रेस की भर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उद्यम क्रांति योजना से आप लोन अगर लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आवेदन फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए हम इस पीडीएफ पर क्लिक कर देते हैं। इस पीडीएफ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को देखने में परेशानी ना हो। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल, मुख्य सचिव उद्यम क्रांति के संबंध में, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें एक आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप इस आवेदन फॉर्म को देखिए, बाकी डिटेल हम आपको बाद में देते हैं। 10 लाख रुपए से अधिक के सेवा परियोजना, ठीक है। आवेदक के यहाँ पर आपको नाम एंटर कर देना है, नाम के बाद उद्योग आपको डाल देना है, सभी आपको जानकारी बिल्कुल सही डालना है, नाम वस्तु सेवा कार्य सभी आपको डाल देना है, स्थिर भूमि पूंजन कच्चे माल का नाम है, सभी जानकारी आपको आवेदन आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिल जाएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत में योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको ये आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यहाँ पर कुछ इस 7 पेज का आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, इसमें आप अपनी पूरी डिटेल भर के इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल, दिनांक 21/9/2022 का आदेश निकल गया जाता। तो यहाँ पर उक्त राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आयत क्रमांक 12/9/2022 से स्वीकृत प्राप्त है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना का यह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदाय केंद्र 223 है, परिवहन सेक्टर 122 है, परिवहन करता 98, उचित मूल्य दुकान है 26,000, मासिक परिवहन है राशि योग्य है कितने, 3.13 लाख, ठीक है। प्राय वर्तमान में द्वारा प्रदाय योजना का उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना घर घर राशन आपको पहुंचाना रहेगा, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि निर्धारित समय सीमा में उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री का प्रदान करवाना, वाहन की क्षमता कितनी होनी चाहिए 7.5 मीट्रिक टन, वाहन की लागत होनी चाहिए 25 लाख, मार्जिन मनी होनी चाहिए 10%, राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा 1.25 लाख, हितग्राही को भुगतान करना होगा 1.25 लाख, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये पीडीएफ पूरा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आपको यहाँ पर आ ही जाएगा।
तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मुख्यमंत्री विभाग नेतृत्व योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर से मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी की बात करिए, सब्सक्राइब करें दीपेश गोर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।